कौन कहता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहाँ तो एक भारतीय महिला के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई ही मुसीबत बन गई। उसका वीजा सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसकी अंग्रेजी जरूरत से ज्यादा अच्छी थी। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 22 वर्षीय अलेक्जेंड्रिया रंटूल ने यूनाइटेड किंगडम की वीजा के लिए आवेदन दिया था। वह गर्भवती थी और स्कॉटलैंड में अपने पति के पास जाना चाहती थी। हालांकि उन्हें अनुमान था कि गर्भावस्था की वजह से वीजा रद्द हो सकता है, मगर यूके इमिग्रेशन विभाग ने जब यह दलील देते हुए वीजा रद्द किया क्योंकि उसकी अंग्रेजी हद से ज्यादा अच्छी है, तो उसे यकीन ना हुआ। अलेक्जेंड्रिया रंटूल ने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट IELTS पास की थी। वीजा पाने के नियमों के अनुसार आवेदनकर्ता के लिए IELTS पास करना अनिवार्य है, मगर महिला को बताया गया कि उसने जो परीक्षा पास की वे ऊंचे स्तर की थी, लिहाजा उसे दोबारा वीजा के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई, जिस पर कम से कम 1.70 लाख रुपए खर्च करना पड़ता। अलेक्जेंड्रिया ने फेसबुक पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, वीजा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का धंधा चल रहा है। मैंने जो परीक्षा पास की थी और जो दस्तावेज दिए थे उनके आधार पर वीजा दे सकते थे, मगर जिन पैसों की जरूरत बच्चे और परिवार के लिए थी, अब उन्हें वीजा पाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसे देश जहां मुख्य तौर पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती, वहां की नागरिक होकर अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकती हूं। अलेक्जेंड्रिया मेघालय की रहने वाली हैं और उनके पति बॉबी रंटूल स्कॉटलैंड के। दोनों की मुलाकात भारत में हुई। दोनों ने शादी के बाद दुबई में कुछ वक्त साथ बिताया, जिसके बाद बॉबी स्कॉटलैंड वापस चले गए। अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही अलेक्जेंड्रिया अपने पति के पास जाना चाहती थी, मगर नियमों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी।